हाय बच्चों, आप सभी को पहला क्लास के लिए स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश है, मैं नंजनपुर से आ रहा हूँ। मैं आज आपको हिंदी विषय में आधुनिक कविता, आपके जो पाठ्यक्रम है, जो तृतीय सोपान है, सब उसमें आधुनिक कविता इस भाग में अधिकार इस कविता के बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। इस अधिका इस कविता का लेखक का नाम, जो रचनाकर्ता का नाम महादेवी वर्मा। जो पहले हम कविता के जानकारी के पहले हम महादेवी वर्मा इस लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी टेक्स्टबुक में देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त आपको ले लूँगा, है ना। तो दे लीजिए, देखिए बच्चों टेक्स्ट बुक पे देखिए। श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी की प्रमुख छायावादी कवियत्री है। आगे देखिए बच्चों, श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवियत्री है। उनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। बच्चों उनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। आप विक्रमा विश्वविद्यालय उज्जैनी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुई। श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवियत्री है। उनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। श्रीमती महादेवी वर्मा रवरु हिंदी साहित्य ओब प्रमुख छायावादी अवंतः भाग श्रेष्ठ कवियत्री। उनका जन्म 1907 में हुआ। इवर 1907 फर्रुखाबाद में हुआ। फर्रुखाबाद स्थल इली फर्रुखाबाद एंबली हुट्टारे। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। सो इवर प्राथमिक शिक्षण इंदौर एनवंतह स्थल इंदौर एनवंतह स्थल मूल शिक्षण प्राथमिक शिक्षण आगते। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। इवर प्रयाग अनुवंतह बिहार दा प्रयाग अनुवंतह विश्वविद्यालय एमए पदवियन्नु कूड पडेकोळ्ळुत्तारे। आप विक्रमा विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुई। आगे इवरु विक्रमा विश्वविद्यालय मत्ते उज्जैनिया विक्रम विश्वविद्यालय मूलक इवे मानंद डॉक्टरेट पदवी कूड़े मानंद डॉक्टरेट पदवी कूड़ा पड़को यार महादेवी वर्मारवर। मकड़े इवर बंद इतर कृति इतर रचने नोड़ मोदी के अतीत के चलचित्र स्मृति के रेखाए पति के साथी इत्यादि आपको 1988 में अपने यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इवर बरदिरुवंत प्रमुख कृति अतीत के चलचित्र स्मृति के रेखाए पति के साथी मुंतादवु इवर बरदिरुवंत कृति अदरली इवर साकष्टु कृति रचने सह 1983 इवर रचित
श्रेष्ठ संग्रह काव्य संग्रह रचने यमिटो मकड़े सो इवर सवि यम अव काव्य संग्रह रचन सो काव्य संग्रह रचने सो इवंत अद्भुत काव्य संग्रह यम अव काव्य के इवे ज्ञानपीठ पुरस्कार सिखिए प्रस्तुत अधिक अवंत कवित महादेवी वर्म बहुत सोगसा बहुत सामाजिकवा समाज व्यवस्था कुड़े बहुत सुंदर चित्रण मकड़े सो इवर बंद कव्य शैली हेगीप रचने हेगीपंतर हृदय स्पर्शी रेखा चित्र इवर बरदी रचने कव्यू बहुत हृदय मुट रीतल कव्य रचने मकड़े इवर समाज नड़ीवंत प्रतियो व्यवस्था यथावत बरवंत कवियंत्री अरे समाज व्यवस्थे हेगे प्रस्तुत अगर तम कव्य तम कवन संग्रह ऐंमारे चित्रण मकड़े सो इदिष्टु निमगे अर्थ आगिदे अंत अंदुकोंडिदीनि मकड़े सो श्रीमति महादेवी वर्मारवरु एनु 1907 रल्लि जन्मिस्तारे इल्लि फरुखाबाद एन्नुवंत स्थळदल्लि हागे इवर प्राथमिक शिक्षण इंदोर एन्नुवंत स्थळदल्लि आयितु हागे इवरु बिहारद प्रयाग विश्वविद्यालयदिंद इवरु एम्ए पदवियन्नु कूड पडेदुकोंडरे हागे इवरिगे उज्जयिनी एन्नुवंत विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय इवे मानद डॉक्टरेट पदवी कड़कोतारे बरदी हलवर कृति मकड़े सो अदर मुख्यवाद अतिथिय चलचित्र स्मृति की रेखाए अतिथिय साधी इवे श्रेष्ठवा काव्य संग्रह अंत मकड़े यम इसलिए 1983 यह यम अवंत काव्य संग्रह के इवे ज्ञानपीठ पुरस्कार सिखिए परीक्षा दृष्टिया नेनपिटू यम अर्थ आता मकड़े ओके थैंक यू।